अगस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 10 से 11 महीने की अवधि में घातक वायरस कोविड-19 ने न केवल पूरी दुनिया को दुखों में डाल दिया है, बल्कि धरती पर रहने के अपने अधिकार से करोड़ों लोगों को दूर कर दिया है। विश्व के लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिससे अब तक बहुत संख्या में लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिर भी परिस्थिति भयावह है। वायरस से संक्रमित होने का डर सबको है। वैक्सीन और अन्य निवारक दवाओं का आविष्कार करने के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर्स हर संभव प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से निकट भविष्य में हम इस वायरस को दूर कर देंगे, यही सबकी कामना है। आज वर्ष के 19वें रविवार में हम इसी आशा के साथ प्रभु के पास आते हैं। आज के तीनों पाठ हमें प्रभु पर पूर्ण रूप से भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। डर हमें अंदर से खोखला बना देता है, लेकिन फिर भी इस महामारी के दौरान अपने जीवन के लिए डर होते हुए भी कुछ लोग पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों में मसीह का चेहरा देखा होगा। नबी एलियास ने एक मृतक व्यक्ति को जिलाया और राजाओं को विनाश के गर्त में ढकेल दिया और अमीरों को उनके आसनों से गिरा दिया। हालांकि वह राजा आहंस और उसकी पत्नी के डर से भागते हैं और वह ईश्वर के पवित्र पर्वत होरेब पर पाया जाता है, लेकिन प्रभु नबी एलियास को कोमल हवा में निहारने के लिए गुफा से बाहर आने का आदेश देता है और फिर अपने मिशन कार्य में आगे बढ़ने को कहता है। नबी एलियास गुफा से बाहर आकर अपने उत्तराधिकारी एलिशा और इसराइल के दो और राजाओं को अभिषेक करता है। क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत में संत पौलुस यीशु द्वारा दिए गए उद्धार कार्य पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उनका रूपांतरण हुआ तब से लेकर अपने मृत्यु तक संत पौलुस ने बिना डरे देश विदेश जाकर यीशु के नाम को प्रचार करने लगा। आज के सुसमाचार में हम यीशु को समुद्र पर चलते हुए पाते हैं। 5,000 लोगों को भोजन देने के बाद प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना करने चले गए। पेत्रुस और अन्य प्रेरित नाव पर सवार होकर समुद्र के दूसरे ओर आ रहे थे। तब यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आते हैं। शिष्यगण भूत समझकर डर कर चिल्लाने लगे। यहाँ यीशु प्रेरितों के डर को दूर कर विश्वास में मजबूत बनाते हैं। उन्होंने पेत्रुस को पानी पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह आज आपके साथ भी हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आज हम पेत्रुस के साथ मिलकर डर को खत्म करके यीशु से कहें, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हमारा विश्वास कमजोर या कम हो सकता है। जब मुसीबतें आती हैं तब क्या हम ईश्वर से पूछते हैं कि क्या आप इस मुसीबतों के क्षण, हे प्रभु, आप हमें कुछ कहना चाहते हैं या हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार हम अनुकंपा को हमारे अंदर काम करने की अनुमति देते हैं, जो हम अपने मानव स्वभाव और क्षमता द्वारा नहीं कर सकते। जैसा संत पेत्रुस कमजोर विश्वासी होने के बावजूद यीशु से कहा, वास्तव में आप ईश्वर के पुत्र हैं। हम भी यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। कमजोर मानव होते हुए भी यीशु पर भरोसा रखें। आमीन।